बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय विद मुसम्मर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को डिस्कस किया, इसी तरह से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस को। आज हम डिस्कस करेंगे लंग्स डिसऑर्डर्स को। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लंग्स डिसऑर्डर्स में जिस डिसऑर्डर को हमने डिस्कस करना है वो है लंग कैंसर। अब लंग कैंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम जरा देख लेते हैं ट्यूमर, कि ये ट्यूमर क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्यूमर हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल को। ट्यूमर है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन हमारे पास क्या है, जैसे कि आपके इल्म में है कि सेल डिवाइड करते हैं ग्रोथ के दौरान या बॉडी में रिपेयरिंग के दौरान सेल डिवीजन होती है, और इस सेल डिवीजन के जरिए सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेल का नंबर इंक्रीज होगा, लेकिन ये सेल का जो नंबर है ये एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। ये सेल का नंबर लिमिटलेस नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये सेल डिवाइड होते रहेंगे और इन्फिनिटी तक डिवाइड होते रहेंगे, बल्कि एक फिनाइट नंबर होता है, एक लिमिटेड नंबर है सेल का। और ये जो लिमिटेड नंबर है सेल का, इसको डिवीजन के दौरान कंट्रोल किया जाता है ताकि सेल का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन कंट्रोल मैकेनिज्म मौजूद है, और ये सेल डिवीजन कंट्रोल मैकेनिज्म जो है, दिस कंट्रोल मैकेनिज्म इज बेसिकली ड्यू टू सम जीन्स। ये जीन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, और इससे सेल का जो नंबर है उसको कंट्रोल किया जाता है बॉडी के अंदर। और इसी तरह से सेल डिवीजन का जो टाइम है कि एक सेल ने कितने टाइम के अंदर डिवाइड होना है, इन तमाम चीज़ों को जेनेटिकली कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज जीन्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल डिवीजन कंट्रोल फॉर्म में है, और जब तक सेल डिवीजन कंट्रोल फॉर्म में रहेगी बॉडी का सिस्टम प्रॉपर चलता रहेगा। और अगर ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ट्यूमर की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल फॉर एग्जाम्पल डिवाइड हो और डिवाइड होते जाए और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स का एक मैस बन जाए, तो ये जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का एक मैस यहाँ पे बन जाएगा, उस मैस को बॉडी के अंदर बेसिकली हम नाम देते हैं ट्यूमर का। और ये जो कंडीशन है ट्यूमर फॉर्मेशन की, ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल की वजह से प्रोड्यूस होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली जो ट्यूमर है, ये ट्यूमर हमारे पास टू टाइप्स का होता है। हम ट्यूमर को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, पहली टाइप का जो ट्यूमर है उस ट्यूमर को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, और जो सेकंड टाइप का ट्यूमर है दैट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। दूसरी टाइप के ट्यूमर को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स के ये टू टाइप्स का ट्यूमर है। अब इन दोनों ट्यूमर्स में, बेनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या डिफरेंस है? बेनाइन ट्यूमर को हम ये कह सकते हैं कि ये लोकल ट्यूमर होता है, या सिंपली ये कह लें कि दिस वन इज नॉन स्प्रेडिंग ट्यूमर। ये ऐसा ट्यूमर है
जो सप्रेड नहीं करता, और जो ट्यूमर सप्रेड नहीं करता उस ट्यूमर को हम नॉन सप्रेडिंग ट्यूमर कहते हैं। द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज बेसिकली सप्रेडिंग ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर है जो सप्रेड होता है। तो सप्रेडिंग ट्यूमर के लिए हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स के अंदर, और इसकी जो फर्दर टू टाइप्स हैं ये कौन सी हैं? इनमें से एक ट्यूमर को हम इन्वेसिव ट्यूमर कहते हैं, इन्वेसिव, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मेटास्टेटिक। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेसिव ट्यूमर स्प्रेड करता है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन, फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, और जो मेटास्टेटिक ट्यूमर है ये स्प्रेड होगा फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन और अदर टिश्यू थ्रू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये क्योंकि सिस्टेमिकली स्प्रेड होता है, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जरिए कुछ सेल ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां पे सेकेंडरी एरियाज बना देते हैं। तो इस किस्म के ट्यूमर के लिए हम मेटास्टेटिक ट्यूमर का वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, के ये जो लंग कैंसर होता है, लंग कैंसर मेटास्टेटिक ट्यूमर भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये इन्वेसिव भी है, यानी ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की टाइप है, यानी ये स्प्रेडिंग ट्यूमर है जो स्प्रेड करता है लंग्स में एक जगह से दूसरी जगह, और इसके अलावा ये बॉडी में सेकेंडरी एरियाज भी बना सकता है। तो दैट्स वाई इस ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम देते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लंग कैंसर की काज क्या है, किन रीजंस की वजह से लंग कैंसर प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे काजेस ऑफ लंग कैंसर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स के इसकी क्या काजेज हैं। अब देखें, मैंने वर्ड कैंसर, लंग कैंसर, हम स्प्रेडिंग ट्यूमर के लिए हम कैंसर का वर्ड यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लंग कैंसर है ये स्प्रेडिंग ट्यूमर है। तो भी इसकी काजेज देखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें सबसे जो पहली काज है दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग इज द मेन काज ऑफ लंग कैंसर, स्मोकिंग की वजह से, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिन केमिकल्स के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं कार्सिनोजेन्स, और कार्सिनोजेन ये केमिकल्स हैं कार्सिनो कैंसर एंड जेन प्रोड्यूसर। तो कार्सिनोजेन ये केमिकल्स हैं विच आर कैंसर प्रोड्यूसिंग केमिकल विच आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, और ये वजह बनते हैं कैंसर की। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो सेकंड हमारे पास रीजन है, कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे एस्बेस्टास। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एस्बेस्टास डिफरेंट मटेरियल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स भी इससे बनाए जाते हैं। वो लोग जो इन मटेरियल्स के साथ डील कर रहे होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो ये एस्बेस्टास बेसिकली इसके छोटे छोटे ऐसे थ्रेड्स हैं, और ये जो थ्रेड्स हैं जब एस्बेस्टास किस जगह पे ब्रेक होता है तो वहां ये थ्रेड्स एयर में स्प्रेड कर जाते हैं, और अगर कोई पर्सन उस एयर में इनहेल करेगा तो ये हमारे लंग्स में जाके और वहां जो सेल डिवीजन का कंट्रोल सिस्टम है उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, जीन्स के अंदर म्यूटेशन काज कर सकते हैं, और म्यूटेशन काज होने से लंग कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, एक सब्सटेंस है जिसको हम आर्सेनिक कहते हैं। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये आर्सेनिक हमारी बॉडी में फूड के जरिए भी एंटर हो सकता है, और इसी तरह से जो कंटेमिनेटेड सॉइल है, बाजों का सॉइल के अंदर ये आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, और अगर वही सॉइल, वो डस्ट पार्टिकल हम इनहेल कर लेते हैं तो उससे ये आर्सेनिक हमारे लंग्स में जाके और उन जीन्स में म्यूटेशन काज कर सकता है जो कि लंग कैंसर की वजह बनते हैं।
देखिए, अब स्मोकिंग है, एस्बेस्टास है, आर्सेनिक है, और लंग कैंसर की रीजन बनने वाली कुछ रेडिएशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेडिएशंस में अगर हम देखें जैसे सनलाइट, तो ये सनलाइट बी वजह बन सकती है डीएनए डिस्ट्रक्शन की, और ये डीएनए को उसकी स्ट्रैंड को ब्रेक करने में ये सनलाइट जो है ये अपना रोल प्ले करती है। नहीं, आप यूं कह लें कि डीएनए म्यूटेशन इसकी वजह से हो सकती है, और म्यूटेशन अगर हो जीन के अंदर जो के कास कर रहे होते हैं ट्यूमर, तो यानी जो कंट्रोल कर रहे हैं सेल डिवीजन को, तो उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से ये लंग कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है। इसी तरह से देखें स्टूडेंट्स, गैमा रेज है, और गैमा रेज के साथ साथ एक्स रेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, रेज बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड डिस्ट्रक्शन में, इसी तरह से डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन होती है जैसे थायमीन डाइमर वगैरह बन जाना, और इसी तरह से जो डीएनए की स्ट्रैंड की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, तो ये सारे काम इन रेडिएशन की वजह से हो सकते हैं, और ये रेडिएशन जो है ये कैंसर की वजह बन सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ रीजंस हैं, काजेज हैं लंग कैंसर की। अब हम देखते हैं कि जब लंग कैंसर डेवलप होता है तो इसमें सिम्टम्स क्या अपियर होंगी। अब देखिए देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहली सिम्टम इसमें अपियर होती है वो थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स हमारा जो एयर ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, उसमें जो सबसे छोटी ट्यूब्स है इनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स जो कि कोलोमोनर एपिथेलियम है, उस कोलोमोनर एपिथेलियम से ये बने हुए हैं, और ये जो सेल है अगर इनके अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, तो देखिए स्टूडेंट जैसे ही इन सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी, फॉर एग्जांपल यहां कुछ सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, तो सेल का एक मैस बन जाएगा जिसको हम कैलस कहते हैं। और ये जो कैलस है ये क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मैस है, तो ये सेल यहां पे थिक हो जाएंगे, तो हम ये कहते हैं कि थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ ब्रोंक्यूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो एयर का पैसेज है, एयर यहां से जो गुजर रही है वो एयर का पैसेज नैरो हो जाएगा, तो ये पहली सिम्टम है जो इस में अपियर होती है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स के ऐसा भी हो जाता है कि ये जो केमिकल जो कि कार्सिनोजेन एंटर होते हैं इस पैसेज के अंदर, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है सीलिया की, इन एयर ट्रैक, जो एयर ट्रैक है उसमें सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सीलिया कहाँ मौजूद है, इस कोलोमोनर एपिथीलियम के ऊपर सीलिया मौजूद है, और जब ये सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो क्या होगा कि इन सीलिया के डिस्ट्रॉय होने की वजह से माइक्रोब्स या डस्ट पार्टिकल वो यहां से बाहर नहीं निकल सकेंगे, और माइक्रोब या डस्ट पार्टिकल लंग्स के अंदर आ जाएंगे, और उसकी वजह से लंग्स में नमूनिया और दूसरे इंफेक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इससे नमूनिया हो सकता है या दूसरे इंफेक्शंस लंग्स के अंदर हो सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कैंसर है ये स्प्रेड करेगा पूरी की पूरी टिश्यूज के अंदर, और लंग्स के टिश्यू में, और ये जो लंग्स की टिश्यूज हैं एल्वियोलाई वगैरह इनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, और ये जो मैस यहां बनेगा कैलस, इसकी वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि लंग कैंसर के दौरान अपियर होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जैसे ही जो एयर ट्रैक है, अगर एयर ट्रैक के सीलिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो इन्फेक्शन होंगे, तो इन्फेक्शन की वजह से लंग्स जो हैं
अब वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, एयर पैसेज ब्लॉक हो सकता है, और इस एयर पैसेज के ब्लॉक होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इससे डेथ हो सकती है पेशेंट की क्योंकि एयर पैसेज ब्लॉक हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, लंग कैंसर अगर हो जाता है तो इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो हम ये 3 मेथड्स यूज कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें सबसे जो पहला प्रोसीजर है उसको हम नीमो नेक्टमी कहते हैं। इसमें ये जो वर्ड नीमो है ये लंग्स के लिए है, और नेक्टमी कहते हैं सर्जिकल रिमूवल को। अब देखिए स्टूडेंट्स, लंग का वो पार्ट जो कि कैंसरस हो चुका है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं नीमो नेक्टमी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लंग का सुपीरियर लोब कैंसरस हो चुका है तो उसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी दो लोब जो हैं वो फंक्शनल रहेंगे। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं रेडिएशंस को टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो थेरेपी। और इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं कीमोथेरेपी, और कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स का यूज करेंगे, केमिकल मेडिसिन का, जिससे हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लंग कैंसर को डिस्कस किया है, उसकी काजेज, उसकी सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट को हमने डिटेल के साथ देखा है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए, टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज़।